हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ठंडाई की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी होती है और गर्मियों के मौसम में सुबह एक गिलास ठंडाई का पी लें तो पूरा दिन तरोताज़ा रखती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये ठंडाई बनाने के लिए मैंने ये ले लिया है 8-10 पिस्ते हैं, 8-10 बादाम हैं और 6-7 मैंने काजू लिया है। इसको मैंने 5-6 घंटे पहले भिगो दिया था। और ये 1 टेबलस्पून सौंफ है और 8-10 काली मिर्च के दाने, ये भी मैंने भिगो दिया था इसके साथ ही 5-6 घंटे पहले। और 1 टेबलस्पून मगज लिया है मैंने, इसको भी भिगो दिया था। ये सारा मेरा भीगा हुआ है, इन सब को अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसमें ये पानी के साथ ही डाल दे रहे हैं सौंफ। और ये पानी थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि ये पानी ज़्यादा हो जाएगा फिर इसमें पीसने में मुश्किल आएगी। पानी इसका मैंने निकाल दिया है, ये भी डाल देंगे। और इसको भी हम पानी से निकाल के डाल देते हैं। अगर हमें बाद में पीसने के लिए ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो हम यही पानी फिर से यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए हैं तो ये सारे न्यूट्रिशंस इसमें आ जाते हैं। अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ये कुछ केसर के धागे ले लिए हैं मैंने, ये भी डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब इन्हें छान लेंगे। इसको अच्छे से छान लेंगे और फिर जो बाकी मोटा मोटा सा बच जाएगा उसको हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। ये छान लिया है मैंने और ये जार में जो थोड़ा सा लगा रह जाता है उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल दूँगी। जार में काफ़ी सारा रह जाता है मसाला हमारा जो भी हम पीसते हैं, तो वो सारा हम इस तरह से निकाल लेंगे। और ये मोटा मोटा जो बच गया है इसे आप चाहें तो दोबारा से ग्राइंड करके और छान लें तो सारा जूस इसका निकल आएगा। मैंने बादाम का छिलका नहीं निकाला था क्योंकि मुझे छान के यूज़ करना था। आप अगर चाहें तो बादाम को छील के तब उसको ग्राइंड करें। और ये मैंने एक जग लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप दूध। और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था इसको इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें चीनी नहीं यूज़ किया है, आप चाहें तो चीनी यूज़ करें। मैं इसमें शहद डाल रही हूँ, आप इसमें चीनी या मिश्री कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जब आप सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट सारे ग्राइंड कर रहे हैं उसी टाइम आप चीनी या मिश्री जो भी डालना चाहें साथ में ग्राइंड कर लें। मैं इसमें हनी यूज़ कर रही हूँ तो इसमें लगभग 3 टेबलस्पून में हनी डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना आपको स्वीटनेस लेनी है जितना आप पसंद करें। और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें आप आइस डाल सकते हैं, मैंने चिल्ड दूध का यूज़ किया है। और ये हमारी ठंडाई रेडी है, सर्व कर लेते हैं। थोड़े से पिस्ता और बादाम के साथ गार्निश कर देते हैं। और ये हमारी ठंडी ठंडी ठंडाई रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनती है ये और गर्मियों में आप इसे पी लें तो एकदम तरोताज़ा कर देती है। आप भी ये ठंडाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।